सुतपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष को रिश्वत लेते ट्रैप किया है एसीबी ने। बालेसर नगर पालिका का चेयरमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने 65,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। परिवादी से पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी चेयरमैन को बालेसर थाने लाया गया है। तो जोधपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका का चेयरमैन रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 65,000 की रिश्वत का ये मामला, परिवादी से पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी चेयरमैन को बालेसर थाने लाया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जोधपुर में। तो एक परिवादी से पट्टा जारी करने की एवज में चेयरमैन ने रिश्वत की मांग की थी। नगर पालिका अध्यक्ष को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। 65,000 रुपए की रिश्वत का ही मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार, चाहे कोई भी अधिकारी हो कर्मचारी हो, रिश्वत लेने के मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार सजगता के साथ कार्रवाई कर रहा है। और इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पर गाज गिरी है। हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ गए हैं इस खबर पर। चेयरमैन को पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए, रिश्वत के मामले में ट्रैप किया गया है नगर पालिका चेयरमैन। ये बहुत बड़ी खबर है गिरीश अपने आप में। और जिस तरीके से अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है, अब आगे और क्या होगा? देखिए नंदन, ने लगातार जो जोधपुर एसीबी की जो टीम है लगातार पिछले लंबे समय से कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जिस तरह से जयपुर मुख्यालय से आदेश आए हैं लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दूं कि फिलहाल जो कार्रवाई हुई है जोधपुर के बालेसर से, ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, एसीबी ने एक रिश्वत को पकड़ा है। बालेसर नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो रंगे हाथ रिश्वत देते हुए पकड़ा है और पट्टा जारी करने के एवज में वह गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि एसीबी ने जाल फैलाकर उसके घर से ही उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल उसको रिश्वत को पुलिस थाने लेकर आया है और उससे सघन पूछताछ की जा रही है। और उसके जो उसकी जो जगह है उसके, तो बताया जा रहा है कि उसके दो और घर है, उस घर पर भी एसीबी की पुलिस की छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल गिरीश, इस पूरे मामले में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोपी चेयरमैन है उसके खिलाफ क्या यहाँ पर जिनसे रिश्वत मांगी गई थी उनके द्वारा शिकायत की गई थी, क्या और भी कोई मामले सामने आए हैं रिश्वतखोरी के? लेकिन नंदनी, अक्सर ये होता है कि जिस तरह से जो एक रिश्वत कांड जो सामने खुल जाता है, उसके बाद एक के बाद एक रिश्वत के कांड खुलते हुए सामने आ जाते हैं। क्योंकि अमूमन ये जो गांव का जो मामला होता है, जो चेयरमैन का जो दबदबा जो गांव में होता है, आपको मालूम है जब वहां पर लोग जो सामने आने से डरते हैं, पर एक अगर कोई सामने आ जाए तो पीछे जो जिन्होंने जिन्होंने घूस दिए उनकी लाइन लग जाती है। तो फिलहाल अभी जो आरोपी है, ये जो रिश्वतखोर है, उसको पुलिस थाने लेकर गए हैं और वहां पर भी पूछताछ चल रही है। और जानकारी से ये बताया जा रहा है कि और भी ये भी समझना चाहेंगे, ये जो पट्टा जारी करने का प्रोसेस है, देखिए सिर्फ बालेसर नगर पालिका चेयरमैन के ऊपर ही नहीं बल्कि और भी स्थानों से इस तरीके का प्रकरण सामने आया है। तो अब ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो पट्टा जारी करने की जो पूरी प्रोसेस है, इसमें किस तरीके से रिश्वतखोरी को अंजाम दिया जाता है? नंदनी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पट्टा जारी करने की जो बात होती है और प्रदेश भर से जो पट्टा जारी करने को लेकर रिश्वत मांगी जाती है, जो बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो पट्टा बनवाने के लिए इसलिए जो दर बदर जो नगर पालिका कहें या नगर निगम कहें या जेडीए कहें, वहां पर चक्कर यूं काटते हैं कि पट्टा जारी होने के बाद में वो लोन ले सकें और आसानी से जिस बनियों से उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए हैं वो पैसे चुका सके। इसलिए वो लगातार ये जो बाबू लोग हैं या फिर कहें तो ये जैसे इस जैसे घूसखोर चेयरमैन के घर पे वो चक्कर काटते हैं कि सर प्लीज कैसे भी करके हमारा पट्टा बना दीजिए, हमारे पेपर डॉक्यूमेंट पूरे हैं। जब वो जो डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं उसके बाद में भी कुछ कम बताते हैं ये लोग कि इसमें ये कमी है, इसकी पूर्ति के लिए वो पैसे मांगते हैं। बिल्कुल, तो ये पट्टा जारी करने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा, चेयरमैन द्वारा रिश्वतखोरी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बालेसर में ये बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है और अब बालेसर थाने में फिलहाल जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनको लाया गया है। तो परिवादी से पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी।